जय हिंद स्टूडेंट्स वेलकम बैक अगेन दिस इज दिव्याशु पांडे आज के सेशन में हम वर्ल्ड की टॉप फाइव इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में डिस्कस करेंगे जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड के जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं और जितने भी फास्ट ग्रोइंग डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास आपकी आई मिसाइल्स बनाने की टेक्नोलॉजी है और उनके द्वारा काफ़ी बेहतरीन आपकी आई मिसाइल्स बनाई गई हैं तो आई मिसाइल्स होती क्या है वर्ल्ड की टॉप फाइव मिसाइल्स क्या हैं उनकी स्पेसिफिकेशंस क्या है उनके बारे में आज के सेशन में हम फुल डिस्कशन करेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की जैसा कि हम बात कर रहे हैं आपकी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में जिसको शॉर्ट फॉर्म में ICBM कहा जाता है यानी कि ऐसी मिसाइल्स जो कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट आपकी ट्रेवल कर सके और उनकी मिनिमम रेंज 5500 किलोमीटर रहे तो उनको हम कहते हैं आईसी मिसाइल्स ये मिसाइल्स आपकी लैंड से साथ ही साथ सबमरीन से लॉन्च हो सकती हैं और इनको हम किसी भी प्रकार के आपके मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स जिसको शॉर्ट फॉर्म में एम आई आर वी कहते हैं उनसे भी हम लॉन्च कर पाते हैं तो लैंड से और सबमरीन से इसको हम लॉन्च कर सकते हैं साथ ही साथ अगर हम भारत की बात करें तो भारत के पास भी अग्नि फाइव है जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और भारत भी अपने अग्नि सिक्स पर काम कर रहा है तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की और देखते हैं कि टॉप फाइव की लिस्ट में कौन कौन सी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हमारे इस लिस्ट में शामिल हैं तो सबसे पहले पे आपकी आती है ट्राइडेंट डी फाइव जो कि अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा यूज की जाती है इट इज अ टाइप ऑफ अ सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि इसको सबमरीन से आपका लॉन्च किया जाता है जिसकी रेंज एक्यूरेसी और पे जो इनका कैपेबिलिटी है वो काफी बेहतरीन है 90s में इनको सबसे पहली बार आपका डेवलप किया गया था और इसका फर्स्ट और सेकंड वर्जन दोनों ही आपका तैयार किया गया है इसको इसको अमेरिका के 14 ओहियो क्लास सबमरीन से लॉन्च किया जाता है वहीं यूनाइटेड किंगडम अपनी वैनगार्ड सबमरीन से आपका लॉन्च करता है अगर हम इसके कुछ स्पेसिफिकेशन देखें तो देखिए ये एस है विच स्टैंड फॉर सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल प्लेस ऑफ ओरिजिन अमेरिका मैन्युफैक्चरर अमेरिका की सबसे बेहतरीन कंपनी डिफेंस की लॉक हिड मार्टिन स्पेस के द्वारा बनाई जाती है इसकी कॉस्ट आपकी थर्टी पॉइंट नाइन मिलियन यूएस डॉलर आपकी रहती है यानी कि काफी कॉस्टली आपकी मिसाइल है ऑपरेशन रेंज ट्वेल्व थाउजेंड किलोमीटर इससे आगे भी जा सकती है और मैक्सिमम आपकी इसकी स्पीड ट्वेंटी नाइन थाउजेंड ट्वेंटी किलोमीटर पर आर की है तो इस रेंज और इस स्पीड के साथ ये दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे घातक मिसाइल है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है ट्राइडेंट डी फाइव नेक्स्ट हमारी है रशिया की जिसका नाम है सोवियत आर थर्टी सिक्स और वेस्टर्न वर्ल्ड में इस मिसाइल को एस एस नाइन स्क्रैप या फिर एस एस एटीन के नाम से जाना जाता है सबसे पहली बार इसको यूएसएसआर ने नाइनटीन सेवेंटी वन में आपका डेवलप किया गया था और इसका पहला बैच 56 मिसाइल का 1977 में इन्होंने इसको डेवलप किया था इट इज अ टाइप ऑफ अ इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्लेस ऑफ ओरिजिन सोवियत यूनियन यूक्रेन तो देखिए सोवियत यूनियन पहले एक ही था और ज्यादातर जो रशिया आज का मिसाइल बनाता था यूक्रेन के रीजन में ही उसको बनाई जाती थी ऑपरेशन रेंज इसकी 10,200 किलोमीटर से लेकर 16,000 किलोमीटर तक की है यानी कि मैक्सिमम जो रेंज है 16,000 किलोमीटर और इसका मास टू लैख नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड किलोग्राम का है तो प्लेस पे आपकी मिनटमैन थर्ड है और ये एक अमेरिका की इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने नाइनटीन सेवेंटीज में सबसे पहली बार आपका डेवलप किया था और ये भी आपका मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री वेहीकल यानी कि एम आर आई एम कि ये MIRV, capable आपकी मिसाइल है टाइप आई सी बी एम है प्लेस ऑफ ओरिजिन अमेरिका की और अमेरिका की बोइंग कंपनी इसको आपका मैन्युफैक्चर करती है इसकी रेंज टेन थाउजेंड से लेकर थर्टीन थाउजेंड किलोमीटर तक की है और एक साथ कई अन्य टारगेट्स पे यह हमला करने में सक्षम है नेक्स्ट हमारी है R29 RMU 2.1 लाइनर मिसाइल तो देखिए ये रशिया की मिसाइल है जो कि एक SLBM मिसाइल है दैट इज सॉमरिन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है 2014 में इसको एडॉप्ट किया गया था और सबसे अभी रिसेंट में बनी गई बनाई गई रशिया के द्वारा ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये टाइप SLBM का है ओरिजिन इसका रशिया का है और ये थ्री स्टेज लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट है जिसको सबमरीन से लॉन्च किया जाता है और इसकी ऑपरेशन रेंज एटी थ्री हंड्रेड किलोमीटर से लेकर ट्वेल्व थाउजेंड किलोमीटर तक की है और हमारे लिस्ट में जो पांचवें नंबर पे है वो एम फाइव वन मिसाइल है और ये भी इंटर कॉन्टिनेंटल बेलेस्टिक मिसाइल है और ये मिसाइल आपकी फ्रांस की है और फ्रांस की सबमरीन लीड ट्रायोफेंट क्लास सबमरीन से इसको आपका लॉन्च किया जाता है सबसे पहली बार इसका वर्क 1992 में आपका स्टार्ट हुआ था और इसको 2010 में फ्रेंच नेवी ने आपका कमीशन किया डिजाइनर एरेने ग्रुप है थ्री स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट गाइडेंस सिस्टम इसमें लगा हुआ है गाइडेंशन रेंज 8000 से लेकर 10000 किलोमीटर तक और यूनिट कॉस्ट इसकी 4 बिलियन यूरो डॉलर की आती है तो हमने टोटल आपकी फाइव मिसाइल्स देखी जो वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन और सबसे घातक आपकी मिसाइल्स हैं आप सभी डिफेंस एक्सपेरेंट एस क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स और रिटर्न कोर्सेज में इनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं जहां पर आपको सभी कोर्सेज़ के फुल फ्लैच बंडल्स और उनकी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है हमारे कोर्सेज में जुड़ने से पहले आप सभी इस वॉरिट टेन कोड का यूज़ कर लें जिससे कि आपको टेन परसेंट का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे मिलता जाए जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक